एवरीवन, दिस इज आरजे ब्लॉगिंग फ्रॉम बैंगलोर। नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं अभी बैंगलोर के देवनाली इलाके में हूँ और अभी जिम मार के आया हूँ। कुछ घर का सामान लिया था, बेड एंड एक कुछ ऑयल, पूजा ऑयल। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस, लेकिन मैं जाऊंगा देवनाहली मार्केट होते हुए, तो आपको दिखाता हूँ देवनाहली का मार्केट कैसा है। ये एकदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास है, बैंगलोर के 10 मिनट की दूरी पे ही है। मैं रहता हूँ ब्रिगेड ऑर्चर्ड्स में, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं मार्केट और फिर चलते हैं अपनी सोसाइटी। तो ये मैं अभी निकल रहा हूँ देवनाहली के मार्केट से। अब मैं देवनाहली के बस स्टैंड से होता हुआ थोड़ा सा आगे ड्राइव करूंगा और फिर अपने घर की तरफ वापस। तो जो अपना बैंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो देवनाहली में ही आता है। जो इलाका है उसका नाम देवनाहली ही है, और हमारे फ्लैट से तो बालकनी से एयरपोर्ट भी नज़र आ जाता है। स्टैंड है लेफ्ट में जो दिख रहा है अभी आपको। अभी तो बसेस नहीं है ज्यादा, रात मतलब इवनिंग का टाइम हो चुका है। हाईवे जो जिस रोड पे मैं अभी हूँ, ये हाईवे पे कनेक्ट होता है जो सीधा हैदराबाद की तरफ निकलता है। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको हार्डली यहाँ से 1 घंटा लगेगा और आप आंध्र प्रदेश के एरिया में पहुँच जाओगे। तो बैंगलोर का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बैंगलोर, वो हो जाता है अपना आंध्र प्रदेश से कनेक्ट, और जो अपना साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट ऑफ बैंगलोर, साउथ बैंगलोर, वहाँ से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं फटाफट से तमिलनाडु। पहले मैं साउथ बैंगलोर में ही रहता था, सरजापुर करके एक इलाका है, वहाँ से मेरा तमिलनाडु पड़ता था हार्डली आधा 1 घंटा या 1 घंटा। जब भी कभी ड्राइव का मन हुआ सीधा तमिलनाडु में पहुँचा। तो यहाँ पर ड्राइव का मन होगा तो सीधा चले जाओ प्रदेश। हाईवे की ड्राइव का मजा ही अलग है ना, सिटी में क्या करोगे ड्राइव करके, ट्रैफिक में फंसे रहोगे। टाइम आज मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूँ ऐसे ही टेस्टिंग के लिए, कि भाई देखते हैं कैसा बनता है। तो ज़्यादा मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग वगैरह का, बट मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं आज, ऐसे ही बना रहा हूँ, देखते हैं अगर सही लगेगा तो कल से कंटिन्यू करेंगे। फिर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ का कैप्चर करूँगा कुछ मोमेंट्स और आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, मेरे को ड्राइविंग का, घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, नया नया नई नई जगह वो मेरे को काफ़ी पसंद है। तो मैं घूमता रहता हूँ, तो जहाँ जहाँ घूमूंगा वहाँ वहाँ का वीडियो बना के डालता रहूँगा। अब मैं सिटी के अंदर तो जब मतलब एक तो ऑफिस जाने के लिए घूमता हूँ, या फिर कभी कुछ
प्लान बन गया तो चलो चले जाए, मतलब चले गए सिटी के अंदर। ज़्यादातर मैं आउटस्कर्ट्स में घूमता हूँ, हाईवेज, गांव, विलेज, उसकी जो लाइफ है ना उसका मज़ा अलग है। तो वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ जहाँ भी मैं घूमूंगा। तो अब देखते हैं, आज स्टार्ट करा है कुछ ब्लॉग बनाने का। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ब्रिगेड ऑर्चर्ड्स, जो कि एयरपोर्ट से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। डे टाइम में भी कैप्चर करूँगा इतना एरिया, और फिर कहीं और का भी अगर रिकॉर्ड कर पाया तो वो भी शेयर करूँगा। तो नाइट टाइम में बोला पहला दिन है, चलता है। अभी तो दूसरा जो मेरे को काम निपटाना है वीडियो की एडिटिंग का, वो भी मैं पहली बार करूँगा आज, तो देखता हूँ कैसे कर पाता हूँ मैं। ट्राई करेंगे, एक्सपर्ट नहीं है लेकिन बन जाएंगे अगर करते रहे। पसंद आ गया मामला, चलता रहा। ये आ गया अपना गेट सोसाइटी का, सामने लिखा हुआ है ब्रिगेड ऑर्चर्ड्स। ये इनका जो है वो नॉर्थ एंट्री है, और ये जहाँ एंड होती है वो जो इसका दूसरा गेट है वो है साउथ, उसको बोलते हैं साउथ एंट्री। ये सोसाइटी का नॉर्थ साइड है, और जहाँ को मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला वो साउथ साइड है। नॉर्थ साइड से आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हो और हैदराबाद की तरफ जा सकते हो। साउथ साइड से आप वाइट फील्ड करके कोई एक जगह है बैंगलोर में, उस तरफ उदीगेरे करके एक जगह है कोलार, उस तरफ जा सकते हो। कोलार आपको पता ही होगा, आपने KGF मूवी देखी है तो कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है वो उसी पे बेस्ड मूवी है KGF SPY की। तो कोलार की तरफ भी जाऊंगा तो उसको भी कैप्चर करूंगा, शेयर करूंगा। ये भी सोसाइटी चल रही है अभी, इसमें यूनिवर्सिटी आएगी चाणक्य यूनिवर्सिटी, और उसी के बाजू में एक स्कूल भी है। इधर एक रिसॉर्ट भी है, वो अभी आगे जाके राइट साइड में, और मैं आपको कल परसों दिखा दूंगा, अभी नहीं। रात को सोसाइटी में एक हनुमान जी का मंदिर है जो सोसाइटी के अंदर ही पड़ता है, एक रॉक के ऊपर बना हुआ है। तो इसको बिल्डर ने एज इट इज रखा हुआ है, इसको कुछ हटाने का कोई प्लान नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी में हनुमान जी का मंदिर भी है। और ये अब मैं अपने ब्लॉक के आसपास पहुंच चुका हूं, और फिर वहां पे मैं मतलब ब्लॉक को एंड कर दूंगा। और फिर कल टाइम लगेगा तो कल मैं एक और वीडियो बना के रेगुलर डेली ब्लॉगिंग का ट्राई करूंगा।